नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह फोर्थ पिलर की टीम से खास बातचीत। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान किया जाना है। इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने पर सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके तहत लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने अभी काम कर रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह फोर्थ पिलर की टीम से खास बातचीत। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे केसरी नंदन जगह पे, यहाँ सराय नंदन में हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे सपा से मेयर प्रत्याशी ओपी सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, चुनाव की रणनीति और क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की, आइए उनसे जानते हैं। सर, चैनल पर आपका स्वागत है। आपको ये जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीति और तैयारियाँ चलिए समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी नगर निगम चुनाव की कर ली है जी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कराने जा रही है। सर, ये अभी जानना चाहेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीट निकाल पाएगी काशी में? समाजवादी पार्टी 50 से ऊपर सीट निकाल जी। और क्या कुछ तैयारियाँ हैं आप लोगों की तरफ से पूरी तरह से? मैं समाजवादी पार्टी के नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी कर ली जी। 4 मई को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी 50 सीट से ऊपर चुनाव जीतने जा रही है और महापौर का भी चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उसके पीछे पूरे शहर में सीवर की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जाम का समस्या, तमाम ऐसे शहर की समस्याएं हैं उसे जनता भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल चमक दमक, लाइट बिजली और मीडिया और चैनल को अपने खराब चीज़ें ना दिखाकर और कुछ करके उसको ज़्यादा के रूप में दिखाकर जनता को जो गुमराह करने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है नगर निगम का चुनाव। विपक्ष का कहना है बार बार कि इस बार भी जिस तरह से बाकी चुनाव में परचम लहरा के आ रहा है, इस बार भी वो पार्षदीय चुनाव में भी परचम लहराएगा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। कहीं कोई परचम नहीं लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर। ऐसी स्थिति में जनता मन बना ली है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने का काम करेगी। हाँ सर, ये भी जान चाहेंगे कि वार्ड में हम गए वहाँ पे विकास के नाम पे देखा जाए तो बहुत कुछ कमी बहुत ज़्यादा देखने गई कि जो पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़क सीवर की समस्या, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनका भी लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। पर विकास की बात की जाए तो सिर्फ सड़कों के विकास ज़्यादा कर देखा गया है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, करोड़ों का स्वागत काशी को देखे जाते हैं, पर दिखता नहीं है। वो लोगों से बातचीत की है तो क्या कहना है? यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात करती है, केवल मेन समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी नगर निगम चुनाव की कर रही है जी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने जा रही है जी। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी 50 से ऊपर सीट निकाल जी, और क्या कुछ समाजवादी पार्टी की नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है जी। 4 मई को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी 50 सीट से ऊपर चुनाव जीतने जा रही है और महापौर का भी चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उसके पीछे पूरे शहर में सीवर की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जाम का समस्या, तमाम ऐसे शहर की समस्याएं हैं उसे जनता भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल चमक दमक, लाइट बिजली और मीडिया और चैनल को अपने खराब चीज़ें ना दिखाकर और कुछ करके उसको ज़्यादा के रूप में दिखाकर
जनता को जो गुमराह करने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। नगर निगम का कहीं कोई परचम नहीं लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर। ऐसी स्थिति में जनता मन बना ली है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम करेगी। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात करती है, केवल मेन रोड पर चमक धमक दिखा के गलियों का विकास कहीं नहीं है, ब्रांच सीवर लाइन कहीं भी नहीं पड़ी, शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे शहर में जाम की समस्या चरम पर है। केवल छलावा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, काम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई ठोस और बनारस की जनता के हित में नहीं किया जा रहा। कोयटों का सपना प्रधानमंत्री जी ने दिखाकर, ये बनारस कोयटे है, कूड़े का शहर है। कोयटे के नाम पर आप किसी भी आइए बाहर निकल जाइए और देखिए बजट यहाँ में कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। कोयटे तो नहीं बना लेकिन कूड़े का शहर जरूर बन गया है। अभी आप देख सकते हैं मेयर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री से बात करते हैं, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास के नाम पे काशी में बोलती है कि विकास है पर विकास नहीं दिखता है, उस तरह से पर समाजवादी पार्टी इस बार भारी संख्या से सीटों पे आएगी और जो भी विकास है, जो भी जनता की समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द समाधान करेगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठवा।